सुन, मैंने तुझे बुलाया इस वजह से कि मैडम ने जिस काम के लिए मुझे बोला है उस काम को पाया तकमील तक सिर्फ तुम पहुंचा सकती हो। वो आप छोड़ दो मुझ पर। बचना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना सच वो लिखना जानता है ना, वो सच क्या है ये तुम बताओ मुझे। इसकी सारी अकड़ दफन हो जाएगी। ये काम बड़ा होशियारी से होना चाहिए। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। और हाँ, सीधे तरीके से फायर एक होना चाहिए, लेकिन सीधा दिमाग पे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होगा। चल ठीक है, ओके। नहीं तो इलाके में नाकाबंदी करवा दे। कैसे भी हो मुझे अमन चाहिए। ये क्यों हुआ? ये जब कातला ना हमला हो चुका है। किसने किया? वो आप प्यार काट लेंगे उसको? आप बताएं कौन से इलाके में हो? गुजर केराडी। मैं अपने काम से आ रहा था वापस कि अचानक एक नामालूम अफराद ने मुझे फायर किया। इसमें हाथ उस मैडम का लगा। केराडी तो मेरा इलाका नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश करूंगा। ये मैडम का इसमें हाथ है तो उसके साथ जो चलने वाले ग्रुप हैं सारे। मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ है? हाँ, जिसने मुझे पाकलाना हमला किया वो तो बंदी की वीडियो है। आप ऐसे करें, जो बंदा है उसके पास वीडियो है उसको बचा। मैं बहुत जल्द उसको लेकर पकड़ूंगा। मैं चाहता हूँ सर, जल्द से जल्द ये लोग सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये हमारे मुल्क की नासूर बन गए। मुझे पता है, मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है। अब हक और सच पर आपके साथ इंसाफ हो और आप जिसके लिए लड़ रहे
उनके साथ ही इंसाफ। सर पूरा यकीन है कि आप उन लोगों की तरह नहीं हैं जो सच का साथ नहीं देते। मुझे पता है आप सच का साथ देंगे, इसीलिए मैं आपके पास आया। ठीक है आप ये सोच रहे थे होंगे यार अपने यहाँ। हाँ हेलो, हाँ ये थाने से जो बंद जा रहा है हमें बंदे का और इसके जान को खतरा इसकी जान तो ये बहुत जरूरी है इसके पास। ठीक है तेरा डी में अपने बंदे वहाँ उसको भेजना भी कट। ठीक है ठीक है अस्सलामुअलैकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप जी? मैं इंस्पेक्टर खान को लेकर आई हूँ, मैंने इन्हें सब बता दिया है। आप परेशान ना हो, मैं एक एक बात बताइए। ये पुलिस वाला ये क्या करेगा? मेरा तो वो कुछ करेगा ऊपर वाला, जो भी कुछ करेगा वो करेगा। मैं समझ रहा हूँ आप बेफिक्र हो जाए, इनका जो हक है वो इन्हीं को मिलेगा। इनके पीछे जो भी है क्योंकि जितने भी एविडेंस है वो हमारे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इनका केस बहुत पेचीदा केस है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे बहुत जल्द। आप इसका इसी तरह ख्याल रखिएगा, इनकी आपकी जरूरत है। ये करेगा, नजर आ रहा है मुझे, ये करेगा। हक बात को जानता है, हक कह रहा है, ये करेगा, ये सब बता देगा। कौन है पीछे से, क्या कर रहा है, कौन ये जानता है। ठीक है आप, मैं अब चलता हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। ओके अल्लाह हाफिज़। इरफान सर इस केस के खेत तक हम पहुंच चुके हैं। मैं आज
आप सब से इसलिए मुखातिब हूँ कि आज हम एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। वो एक ऐसा ग्रोह है, ग्रोह क्या है, एक सियासी टोला, लेकिन हमारी पुलिस डिपार्टमेंट हर वो जो जुराय में मुलविस होगा, चाहे वो जो भी हो और जिससे भी, जिस इदारे से भी, अगर वो किसी भी इदारे से हो, हमें उससे कोई परवाह नहीं, हमने जुर्म का खात्मा करना। सर आप हमें ये बताएं कि हम आपकी टीम के साथ लाइव कवरेज के लिए वहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप भी जा सकते हो, पूरी सोशल मीडिया जा सकती है। हम ये ढंगे की छोट पे करेंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे, चाहे जितने भी बड़े हाथ हो, तो आप सब हमारे साथ चलिएगा। और आप सबका शुक्रिया, जितने भी आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम जाएंगे इस केस को सॉल्व करें। सर ये आखिरी सवाल सर ये कि ऐसा तो नहीं कि आपसे पहले जो पुलिस वाले थे वो जो रेट मारते थे फिर कुछ पैसे लेके बंदों को छोड़ देते थे, आप भी कहीं उन अफसरों की तरह तो नहीं निकलेंगे? नहीं नहीं, हम इसलिए तो हमने सबको रुजू किया है कि सब आए, जितने भी प्रेस वाले हैं, जितने भी जो भी है वो आए और हमारे साथ चले। सर आप पहुंचे, हम भी आपके साथ साथ, आप भी चले, जितने भी प्रेस वाले हैं हमारे साथ चले। चले चले चले। आ जाओ। हाँ भट्टी, मुझे ना पेपर तैयार करवाना है। अच्छा, क्योंकि काफी मसाइल है। और हाँ, ये बात तुम्हारे और मेरे तक के रहनी चाहिए, और ये बात पॉलिटिशियन तक के नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेरा नाम और मेयार खराब होगा, वो मैं नहीं चाहती। जी ठीक है मैडम, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। बेहतर यही होगा कि जो चीजें अगर मैं आपसे पूछूं वो आप मुझे बता दें तो मेरे साथ मामला बेहतर हो जाए। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि केस को समझने में मुझे आसानी। नशे में है, अभी कुछ नहीं बता सकते। नशे में? जी, नशे की आदी हो गए। अच्छा, मैं तुम्हें इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि नशे में तुत रहते हैं। उनको मैं समझा के थक गई हूँ, उनको मेरी बात नहीं समझ आती, मैं खुद बहुत परेशान हो गई हूँ। इनके बारे में तो आपको नशे में नहीं हूँ। हाँ, आप नशे में नहीं हैं। नहीं, आप नशे में। मुझे इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन और गोलियां दे दो। आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए ही लेकर आई हूँ इसे। ये सब जानती है कि मुझे नशे का आदि किसने और क्यों बनाया। समझाऊं, मैंने समझा कर थक गई हूँ। ये सोचते हैं कि मैं सबके साथ मिली हुई हूँ। अब बताओ, मेरी पॉलिटिशियन में नाम खराब हो गई ना, इसलिए मैं इनको समझाती हूँ। असल में हम दुबई में मिले थे ना, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। बाकी छोड़ो, आपको जो फाइल तैयार करने का कहा है वो जल्द से जल्द आप तैयार करो। ठीक है, मुझे कुछ मालूम चाहिए होंगी तो मैं आपसे ले लूंगा। मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं जो भी डिटेल होगा आपको दे दूंगी। इजाजत है मुझे? ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको कितनी बार कहा है नशे छोड़ दे, पर आपको पता नहीं मेरी बात ही नहीं समझ आती। बस तुम छोड़ दो, नशा खुद छूट जाएगा। दुबई में प्यार हुआ था और उसी प्यार में तुमने मेरे कागजात लिए। नशे में फिर भी आपको ये यहाँ देखे, मैं दुबई में थी, आपके कागजात मेरे पास है, फिर भी आप परेशान हो गए। किसने किया ये तुम जानती हो, तुम अच्छी तरह से जानती हो। लालच ने धोखा देकर मेरे साथ चुप किया है। क्या हालत कर ली है अपनी,